मेरी किस्मत ने हमेशा मुझे आजमाया है, मेरे मकसद ने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया है, और मेरे सपने उन्हें मैंने हमेशा अपने साथ पाया है। जब अपनों का साथ छूट गया तब भी मेरे सपने मेरे साथ थे। अपने सपनों की उंगली पकड़कर मैं जिंदगी में यहाँ तक पहुंची हूँ, और अब तलाश है एक ऐसे जीवन साथी की जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहूँ। ऐसे ही जीवन साथी की तलाश में मैंने ये स्वयंवर रचाया है। जिंदगी में पहली बार मैं अपने लिए कुछ चुनना चाहती हूँ, अपना जीवन साथी जिसे चुनना मेरा हक है और जिसे पाना मेरी मंजिल। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि स्वयंवर के इस सफर से मुझे मेरा हम सफर मिल जाए। स्वागत है आप सब हिंदुस्तान के सबसे अनोखे रियलिटी शो, एक ऐसा रियलिटी शो जहां किसी कलाकार के हुनर को जनता या जजेस नहीं परखे, जहां किसी सिंगर या डांसर को ट्रॉफी नहीं दी जाए, बल्कि जहां फैसला होगा किसी की जिंदगी का, पूरी जिंदगी। जी हां, जिस शो पर पूरे हिंदुस्तान की नजरें लगी हैं उस शो में किसी की जिंदगी दांव पर लगी। यूं तो आपने अपने पसंदीदा धारावाहिक में बहुत सी शादियां होती देखी, मगर आपने कभी भी अपने टेलीविजन पर कोई असली शादी होते नहीं देखी। लेकिन जो आज तक नहीं हुआ है वो अब होगा। जीवन में पहली बार अपने टेलीविजन पर आप किसी लड़की को अपना जीवन साथी चुनते हुए देखें। जानना चाहते हैं वो लड़की कौन है जिसका है ये स्वयंवर? वो लड़की आपके दिल में भी रहती है और चर्चाओं में भी। उसने अपना सफर शुरू किया तो उस पर उंगली उठाने वाले बहुत थे, मगर उसका हाथ थामने वाला कोई नहीं। मगर फिर भी जिसने अपनी मेहनत Hi, welcome, my girl. Thank you. What a beautiful bride to be. बहुत बहुत अच्छी लगी। Thank you. आइए बैठ के बात करते हैं। So राखी, वही राखी सावंत जिसे अब तक लोग चंचल चुलबुली कहलाते थे, अब उसे दुल्हन कहलाई, रियल लाइफ की दुल्हन। कैसा लग रहा है? Really, how are you feeling? ये तुम्हारा स्वयंवर है। अद्भुत, बहुत ही अलग फीलिंग है ये। राम सच्चे दिल से कहते हैं एक एक औरत जा गई अंदर से। डांस किया मैंने, इतनी सारी फिल्में की, पता नहीं क्या 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 किया मैंने। आज का दिन बहुत ही अलग फीलिंग। दिल जरा ज्यादा जोर से धड़क रहा है। एक लाइफ पार्टनर चुनना है मुझे, मुझे शादी करनी है, और मुझे नहीं पता कि मैं किसे चुनूंगी, क्या होगा आगे। अच्छा राखी, हम सब जानते हैं कि ये तुम्हारा स्वयंवर है जी। इस स्वयंवर के जरिए तुम अपना जीवन साथी चुनना चाहती हो, लेकिन हम में से कोई भी ये नहीं जानता कि तुम्हें किस तरह का जीवन साथी चाहिए। वैसे मेरी लिस्ट थोड़ी सी बड़ी है। राम मुझे एक एक्टर नहीं चाहिए, मुझे एक पति चाहिए जो मुझे प्यार कर, जो मेरे नखरे सर पे उठाए, और जो मुझे बचपन से आज तक कभी प्यार नहीं मिला, मुझे सच्चा प्यार। और भले वो ज्यादा अमीर ना हो, भले उसके पास कोई सॉलिटेड डायमंड ना हो, पर उसका दिल सच्चा, वो बहुत ईमानदार,
काफी लोगों का ये मानना है कि ये स्वयंवर ये जो हम करने जा रहे हैं ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, इसमें तुम्हारा क्या ख्याल है? राम मुझे बहुत दुख होता है ये जान के कि राखी सावंत कुछ भी करे तो पब्लिसिटी स्टंट, और दूसरे बड़े बड़े हीरोइन है या हीरो कुछ भी करे तो रियलिटी, ये कहां का इंसाफ है? राखी सावंत बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आई है इसलिए कोई उसकी बातों को यकीन नहीं करता। क्या राखी सावंत का कोई गॉडफादर नहीं है या बहुत ठोकरे खा के बहुत मुसीबतों से राखी सावंत यहां तक पहुंची है? सबको जलन होती है, मैं बहुत सच्चाई से चल रही हूं और मेरा ईश्वर मेरे साथ है। आज भले वो मेरी इज्जत ना करे, आज वो भले मुझ पे हंसे या मुझे कहे कि पब्लिसिटी स्टंट है या कुछ भी कहे, बट जो सच्चाई है वो सच्चाई है और मैं नहीं कहूंगी क्योंकि मैं एक इंसान हूं। मेरा ईश्वर उनके दिल में ये बात लाएगा और इसलिए ये शो है कि देखिए कि मैं किस हद तक जा सकती हूं, कि मैं कितनी सच्ची हूं। मैं उनसे इतना ही कहना चाहती हूं कि जो न्यूज में मेरी जो छवि बनाई जाती है उस पर यकीन ना करें, इतनी जल्दी किसी को जज नहीं करना चाहिए। Well, राखी, I have to say, तुम्हारा ये रूप मैं पहली बार देख रहा हूं, आई एम श्योर बहुत से लोग भी पहली बार देख रहे हैं एंड आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड। तुम्हें अपना जीवन साथी जरूर मिलेगा और तुम्हें इस सफर में हम सबका साथ भी जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सीरियसली, अब ये स्वयंवर का सफर शुरू करें जी, अपने दोनों से मिलने के लिए रेडी हूं? इसकी बहुत जरूरत है मुझे। गॉड, ओ गॉड, द प्रेज द लॉर्ड, मैं जा रही हूं और गॉड मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा मनपसंद दूल्हा मिल जाए, आपका आशीर्वाद चाहिए गॉड, प्लीज, थैंक यू। चलो, यस, चलो। शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी, देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी।
दिल पर है, दिलकश है, दिलदार नजारे हैं आज जमीन पर। हाय राखी जी, आई एम लव खन्ना। नमस्कार। नमस्कार। और मैं आपको सिर्फ बताना चाहूंगा कि मैं सभी धर्मों को मानता हूँ, सो आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। होप यू लाइक इट। इसमें ओम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बहुत ब्यूटीफुल है। आपकी जरा बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। काफी कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल। एक बात आपसे बोलना चाहूंगा। जी? जैसे श्री राम जी ने सतयुग के अंदर सीता मैया को स्वयंवर में जीता था, उसी तरह से इस कलयुग के अंदर उनका बेटा ये लव आपको जीत के लेके जाएगा। वाह, थैंक यू। माय प्लेजर। आप पार्टी रूम में इंतजार कीजिए। जी, मैं अभी आई। बिल्कुल, मैं आपका बेसब्री से इंतजार करूंगा। नमस्ते। प्रणाम। काफी अच्छे जज रहे हैं। वो बस आपकी नजर है। मैं अब ये आपके होने वाली सास ने भेजा आपके लिए, ये कंगन, ये रख लीजिए। अभी तो आपने बहुत सारे पहने हैं, जब हम आपको लेकर जाएंगे तो आप सिर्फ इसी को पहनना। कहाँ लेकर जाएंगे? ऋषिकेश गंगा जी के पास हमारा घर है। गंगा जी? हाँ, किनारे। बिल्कुल। हाँ, नाम तो बताइए। मनमोहन। आपको देखने के बाद मैं सब कुछ भूल गया हूँ। एक्चुअली इतना व्याकुल था मैं आपसे मिलने के लिए, जी। तो अब क्या बताऊँ सच में। थैंक यू सो मच। प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं ले लेती हूँ। हाँ, और जाते जाते आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ। कहिए। पलकों पे छुप गया है समंदर खुमार का, पलकों पे छुप गया है समंदर खुमार का, कितना अजब नशा है तेरे इंतजार का। मुझे नहीं पता था कि मेरा इंतजार इतनी खूबसूरती से खत्म होगा। इतनी खूबसूरती। आप बहुत अच्छे हैं। मैं आपके ये कंगन लेती हूँ। बिल्कुल, प्लीज आइए ना। नमस्ते। नमस्ते। इट्स फाइनली अ प्लेजर टू मीट यू। हाय, मेरा नाम इलेश और मैं आपके लिए तीन तोहफा लाया हूँ। ये आपके लिए एक सिंपल तोहफा है, लेकिन एक सिंपल तोहफा में एक बहुत बड़ी कहानी है। ये दोनों एक तरह से निकलता है okay. और वापस जो भी सकता है। और ये है आपके लिए। क्यों? क्यों? इसीलिए कि मान लो ये एक रिलेशनशिप है और हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होता है। आप प्रॉब्लम्स कैसे एहसान से निकलता है और वापस जोड़ भी सकता है, बॉन्ड के लिए पेशेंस चाहिए, कॉम्प्रोमाइज चाहिए, ध्यान चाहिए, प्यार भी चाहिए। लेकिन आपको इफ यू कैन नॉट गेट अ रिपोर्ट, मैं हूं ना। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सेकेंड गिफ्ट फॉर यू। आपको शायद मालूम है कि मैं टोरंटो से आया हूँ। जी। और मुझे लगा कि ये कनाडा शर्ट है, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आई थॉट इट लुक वेरी सेक्सी ऑन यू। तो ये है आपके लिए। जी। इट्स अ वेरी प्लेजर टू मीट यू एंड आई एम श्योर आई विल सी यू सून। थैंक यू। थैंक यू। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, व्हाइट एंड व्हाइट। और आप भी बहुत खूबसूरत लग रही है आज। यू लुक वेरी सिंपल बट ब्यूटीफुल एंड आई लव इट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज आइए। थैंक यू। हाय, मेरा नाम दीपक है। हेलो। इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं कि अगर किसी चीज को अपने पूरे दिल से चाहो तो पूरी की पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। थैंक यू। मैं चाहता हूँ हमेशा गणपति बप्पा का आशीर्वाद आपके साथ रहे।
बहुत अच्छा, शुक्रिया। काफी हेवी है ना? हाँ। मैं इतनी पतली दुबली हो रही, काफी हेवी। कोई नहीं, मैं हूँ ना हमेशा। तो थोड़ा हेल्प कीजिए ना, पकड़िए। जी जी। हाँ, काफी अच्छा सूट कर रहा है ये कुर्ता आप पे। थैंक यू। और पार्टी में मिलती हूँ जरूर। ठीक है, इंतजार है उस पल का। जी। हाय कृपाल। कृपाल, वैसे लोग मुझे राज भी कहते हैं। राज? जी हाँ। ओह माय गॉड, मेरे ख्याल में कुछ आपका ख्याल इस तरह है राखी जी, कि जब भी अपनी पलकें बंद करता हूँ मुझे एक परी सी नजर आती है, उसी ख्याल को ख्याल में रखते हुए ख्याल आपके लिए लाया हूं, इसे कबूल कीजिए। गॉड, इट्स ब्यूटीफुल। कृपाल जी। हाँ जी। बहुत ही ब्यूटीफुल है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और एक गुजारिश है आपसे जी, कि जब आपकी और हमारी शादी हो तो आप इसी लिबास में आओ, ताकि हम जिंदगी भर अपने आप को कह सके कि हमने एक परी से शादी की। सो स्वीट शॉट। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। और वैसे आप बहुत जच रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज। कैसे रामलाल, कैसी हैं? बस क्या, बस सोच के तो बहुत कुछ आया था कि आपसे बात करूंगा, बट आपको देखने के बाद तो एक ही चीज मेरे दिल से निकलती है जी। सब कुछ खुदा से मांग लिया, सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर अब उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। क्या बात है, अब बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी चीज मैंने आपके लिए बनाई है और उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर पसंद आएगी। ये मैंने खुद बनाई है। आपने खुद? जी मैंने खुद बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ब्यूटीफुल आपने बनाया है इसे। इट इज माय प्लेजर मैम। आई टेक केयर। थैंक यू। मेरा नाम अथर परवेज मलिक है, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। आपसे बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू। मैंने वहां पे बहुत से तोहफे देखे जी, मगर आपके मुकाबले मुझे सब फीके पड़े। फिर मैंने कश्मीर की एक मशहूर चीज, कश्मीर का पश्मीना शॉल आपके लिए लाया, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको दिल से कबूल करोगे। जी, थैंक यू।
एक मिनट, ये क्या हो रहा है? Already we have the first surprise of the show. तुम एक कंटेस्टेंट को पहले से जानती हो? This Atirek, how do you know? इस प्रोग्राम के अतिरिक्त आप यहाँ? जी हम यहाँ. कैसे हो? In long time. गिफ्ट समीर ने दिए हैं, मैं कुछ ऐसा दे रहा हूँ शायद जो आपके आपके बचपन में ले जाए. समथिंग डिफरेंट जो आपके पास हो भी ना, आपकी यादें दिखाइए. ये कौन है? Oh my God, मेरे मम्मी पापा. ये? और ये कौन है? मेरे ख्याल से शायद पहला डांसिंग शो. ये कब का घर है? शायद आपका पुराना घर. बहुत पुराना. ये चीज वो है शायद आपके पास भी नहीं है, इतना तो मैं जानता हूँ. नहीं, मेरे पास नहीं. और शायद किसी को नहीं पता कि आपका नाम नीरू है. Nobody knows that she is Neeru. Yeah. Very impressive. This is something very different and very unique. Thank you so much, Atire. It's my pleasure. Party में मैं आपका इंतजार कर रही हूँ. Definitely. Please. Thank you. एक मिनट, ये क्या हो रहा है? Already we have the first surprise of the show. तुम एक कंटेस्टेंट को पहले से जानती हो? This Atirek, how do you know him? जी राम, मैं कैसे बताऊं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अतिरिक्त जो है, मैं जिस भी जगह गई हूँ अतिरिक्त ने हमेशा मेरा फॉलो किया है. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मेरे फ्रेंड थे पहले अभिषेक, ये उनके बेस्ट फ्रेंड थे. उनके साथ मैंने इनको काफी बार देखा है. आई एम शॉक. कहानी में ट्विस्ट. ठीक है भाई, मौका तो देना ही चाहिए. यस एब्सोल्युटली, जरूर. लेकिन ये बताओ बाकी सब कंटेस्टेंट्स के बारे में क्या ख्याल है? मैं खुद सहमी हुई सी हूँ थोड़ी सी. पहला दिन है तो अलग अलग, कोई गा के आ रहा है, कोई इम्प्रेस करना चाहता है, कोई गिफ्ट दे रहा है. मैं भी काफी इम्प्रेस हो रही हूँ. और मेरी लैंग्वेज में अगर कह दूं, मेरे थोड़े से तोते उड़े हुए हैं. अब 8 से तो बोल चुके, दूसरे 8 रेडी? बेताब हूँ. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. एक मिनट, ये क्या हो रहा है? Already we have the first surprise of the show. तुम एक कंटेस्टेंट को पहले से जानती हो? This Atirek, how do you know? इस प्रोग्राम के Atirek, आप यहाँ? जी हम यहाँ. कैसे हो? In long time. गिफ्ट समीर ने दिए हैं, मैं कुछ ऐसा दे रहा हूँ शायद जो आपके आपके बचपन में ले जाए. समथिंग डिफरेंट जो आपके पास हो भी ना, आपकी यादें दिखाइए. ये कौन है? Oh my God, मेरे मम्मी पापा. ये? और ये कौन है? मेरे ख्याल से शायद पहला डांसिंग शो. ये कब का घर है? शायद आपका पुराना घर. बहुत पुराना. ये चीज वो है शायद आपके पास भी नहीं है, इतना तो मैं जानता हूँ. नहीं, मेरे पास नहीं. और शायद किसी को नहीं पता कि आपका नाम नीरू है. Nobody knows that she is Neeru. Yeah. Very impressive. This is something very different and very unique. Thank you so much, Atirek. It's my pleasure. Party में मैं आपका इंतजार कर रही हूँ. Definitely. Please. Thank you. एक मिनट, ये क्या हो रहा है? Already we have the first surprise of the show. तुम एक कंटेस्टेंट को पहले से जानती हो? This Atirek, how do you know him? जी राम, मैं कैसे बताऊं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अतिरिक्त जो है, मैं जिस भी जगह गई हूँ अतिरिक्त ने हमेशा मेरा फॉलो किया है. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मेरे फ्रेंड थे पहले अभिषेक, ये उनके बेस्ट फ्रेंड थे. उनके साथ मैंने इनको काफी बार देखा है. आई एम शॉक. कहानी में ट्विस्ट. ठीक है भाई, मौका तो देना ही चाहिए. यस एब्सोल्युटली, जरूर. लेकिन ये बताओ बाकी सब कंटेस्टेंट्स के बारे में क्या ख्याल है?
मैं खुद सहमी हुई सी हूँ थोड़ी सी. पहला दिन है तो अलग अलग कोई गा के आ रहा है, कोई इम्प्रेस करना चाहता है, कोई गिफ्ट दे रहा है. मैं भी काफी इम्प्रेस हो रही हूँ. और मेरी लैंग्वेज में अगर कह दो, मेरे थोड़े से तोते उड़े हुए हैं. अब आठ से तो बोल चुकी, दूसरे आठ रेडी? बेताब हूँ. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. नमस्ते. मैं मानस कटियाल, दिल्ली का रहने वाला. मानस जी. ओके. ये एक छोटा सा तोहफा आपके लिए, मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से. वाओ. और ये फोटोग्राफ, अगर मैं इस लेवल पे पहुंचा तो ये बट ऑफ कोर्स मैं अपनी फोटो यहाँ पे लगाना पहुंचा. मतलब कॉन्फिडेंट नहीं? बिल्कुल हूँ, पर मैं यहाँ पे अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बोलना चाहता. ओके. तो मैं यहाँ पे पहुंचने की बिल्कुल कोशिश करूंगा. ठीक है. ऑल द बेस्ट. मैं आपका इंतजार करूंगी पार्टी. बिल्कुल, आपका मिलने का इंतजार करूंगा. थैंक यू. बाय. हाय राखी. नमस्ते. आई एम कपिल फ्रॉम जयपुर. सो नाइस टू सी यू. थैंक यू. आई हैव अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू. दैट इज ताजमहल. वाओ. विल यू प्लीज एक्सेप्ट दिस? थैंक यू वेरी मच. It's beautiful. Thank you. Thank you so much. Priye zagu kasa tujha vina mi rakhi ga. Maine aane mein koi der to nahi ki? नहीं, बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं. मैं आपके लिए लाया हूँ एक नटराज. थैंक यू सो मच. न्याय. थैंक यू प्रणव, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. पार्टी में मिलती हूँ मैं आपसे. ऑफ कोर्स. ठीक है. आपका तो इंतजार रहेगा. थैंक यू. बाय. ओ माय गॉड, अमेजिंग. सेम कलर. My name is Ashwin Chaudhary from Nagpur. ये Orange City की ओर से Orange मिठाई. ये favorite है मेरी. Oh, amazing! Thank you, Sai. मेरे sister की तरफ से ये suit, जिसकी शादी दो दिन के बाद है. Okay. ये आपके लिए. Thank you. वैसे आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं. मैंने अपने तरफ से तो कुछ लाया नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए आया हूँ. मुन्ना स्टाइल. तुम मुझे राखी को गिफ्ट करो. तुम मैम को लेकर आना, मैं चाहता हूँ आप एक बार आंखें बंद कर लें, है ना? अब आप आंखें खोल सकती हैं कि छोटे से हैं गणपति जी, आप इन्हें स्वीकार करिए. माफी चाहूंगा यदि मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप मेरे जीवन संगी बने, तो मैंने अपने और आपके विवाह का जो प्रथम निमंत्रण है लड़के वालों तरफ से, वो मैंने इनको ऑलरेडी दे दिया है. सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि आप काफी कॉन्फिडेंट है, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ अच्छी सी गिफ्ट के लिए. और दिल से एक बात कहना चाहती. जी बोलिए. आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं. प्लीज आइए. जी.
Hi Rakhi, how are you? Hello, hi, I'm fine, thank you. So this is what I've got for you. Okay. This is one dress for you. Which is like, I made this dress for you specially. Oh, wow! And along with this, I've got a diary for you. ये एक बहुत पर्सनल डायरी है जिसलिए मैं सोचता हूँ कि आप अपने लाइफ के ब्यूटीफुल मोमेंट्स इसमें लिखे हैं तो आपकी जिंदगी में हमेशा आपके साथ रहेंगे. बहुत ही ब्यूटीफुल आप पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. जी बिल्कुल, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप. थैंक यू, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. नाइस टू मीट यू. थैंक यू. सो राखी जी, फाइनली सारे दूल्हे मिल चुके. अब एक बात बताओ जी, इन सारों में से कोई खास लगा? कोई ऐसा था जिसने पहली मुलाकात में ज्यादा इंप्रेस कर दिया? है. कौन है? मैं नहीं बताऊंगी अभी, बाद में. ओके. इसमें एक ब्रोच है, ये प्यार का पहला नजराना जो तुम्हें तीन धुनों को आज देना है. तीन? वो तीन जिन्होंने तुम्हें पहली ही मुलाकात में ज्यादा इंप्रेस कर दिया. लेट्स गो. आज पहली मुलाकात के बाद तुम में से जिसने राखी को सबसे ज्यादा इंप्रेस कर दिया है, राखी उसे अपने हाथों से प्यार का पहला नजराना देगी. सदियों में वो हुए थे. ज्यादा पीली लग रहा है. ओके, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर अटेंशन. सबसे पहले तो राखी के स्वयंवर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. इस सफर में राखी का हम सफर कौन बनेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हां, आज पहली मुलाकात के बाद तुम में से जिसने राखी को सबसे ज्यादा इंप्रेस कर दिया, राखी उसे अपने हाथों से प्यार का पहला नजराना दे. एनी गेसेस हु दैट माइट बी? मैं कुछ कह नहीं सकता कि राखी जी मेरे से इंप्रेस हुई कि नहीं, लेकिन मैं अपना जितना बेस्ट दे सकता था मैं उतना ही दे पाया. नजराना मुझे ही मिलेगा क्योंकि मुझे अपने अपना 100% बेस्ट दूंगा. जो मैंने राखी के साथ प्यार की दो बातें की, मेरे लिए वो किसी नजराने से कम नहीं. राखी, डिसीजन इज मेड. जानती हूं किसने सबसे ज्यादा इंप्रेस कर दिया? मुझे विश्वास है अपने विश्वास के ऊपर. पहली बार प्यार की झप्पी मांगी उसको मुन्ना स्टाइल, राखी ऐसी ही देख के फ्लैट हो गई है. इवेंचुअली तो जो इंप्रेस करेगा वो उसे ही मिलेगा. मिली भी कोई भी अगर एक थप्पड़ भी राखी के हाथ से मिलता है तो मेरे लिए मतलब मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा. मैं ये जानता हूं मैं यहां राखी को लेने आया हूं, रोज को नहीं. और अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी बीवी राखी को लेकर जाऊं. प्यार का पहला नजराना आप इसे एक्सेप्ट करेंगे? थैंक यू सो मच. श्री राम जी का तो आशीर्वाद है ही इस लव के साथ, श्री कृष्ण जी का भी आशीर्वाद मिल गया उसे. मैं ये जानता हूँ कि अगर आप किसी से सच्चे मन से प्यार करते हैं तो आप उसकी आंखों से ही पढ़ सकते हैं कि वो आपको कितना पसंद करता है या करती है. इस वक्त मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्यार के पहले नजराने के तौर में ये ब्रोच क्यों पहनाया गया आपको. पुराने जमाने में ऐसे ब्रोच राजा महाराजा पहना करते, इसलिए हम लोग आप सबको ये बताना चाहते हैं कि इस सफर में राखी के स्वयंवर में अगर राखी हमारी राजकुमारी है
तो आप सब लोग भी हमारे लिए राजकुमारों से कम नहीं है। अब जिन लोगों को ब्रोच नहीं मिला उन्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज रात राखी ऐसा ब्रोच दो और लोगों को पहनाई। सो ऑल ऑफ यू एंजॉय द पार्टी एंड ट्राई एंड इंप्रेस राखी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बट मैं नहीं जानता उसने क्या किया राखी को इंप्रेस करने के लिए कि वो इतनी इंप्रेस हुई कि पहला प्यार का नजराना ही लव को दे डाला। फर्स्ट इंप्रेशन उसका मिला है मुझे थोड़ा सा हुआ के शायद कैसे मैंने अपने तरीके से राखी को इंप्रेस करने की कोशिश की। राखी को अच्छा लगा, वो राखी का डिसीजन है। अभी जैसा कि मैंने आपको बोला ये तो अभी आगाज है, आगाज भी नहीं कहेंगे, अभी तो ये एक छोटा सा कदम। अब जा रहे हैं, कोशिश पूरी करेंगे, प्लानिंग भी पूरी करेंगे, क्योंकि हम तो चाहेंगे कि दोनों के दोनों नजराना हमारे ही नाम हो जाए। बहुत ही हिम्मत की है मैंने अपना स्वयंवर रचाने की। What do you feel about my इस कन्या के अंदर तो आप ही ऐसी पहली सीता हैं जिसने ये कदम उठाया। बिकॉज मुझे तो लगता नहीं कोई और लड़की आपके सिवा ऐसा स्टेप ले सकती है। तो आप क्या देख रही हैं, मतलब आपके पति में क्या होना चाहिए? He has to be very honest. Has to be fit. And कितनी भी बड़ी सच्चाई हो जिंदगी में उसे फेस करना चाहिए। हमने तो नहीं सुना कि लव ने क्या बोला क्या नहीं बोला। हो सकता है उन्होंने हमसे अच्छे इंप्रेशन दिए होंगे राखी को, जिससे उनको प्यार का नजराना मिला। I believe in hard work and सच्चाई, woman's respect. मुझे लगता है शायद उनका पहला आना उसके लिए अच्छा प्लस पॉइंट हो गया। शायद अगर पहले मैं आता तो मैं उनको शायद राखी को ज्यादा इंप्रेस कर पाता था। कौन से कॉलेज में पढ़े हैं आप? I don't know. आपका एजुकेशन? मैं चंडीगढ़ से, मैंने की इंजीनियरिंग चंडीगढ़ से और वहीं पर जॉब शुरू की थी। सो उसके बाद पिछले 8 साल से जॉब ही कर रहा हूँ। तो मॉडलिंग शुरू कर दी है, मॉडलिंग तो साथ साथ कर रहा हूँ। बिकॉज हाय हाय हैव टू बी ऑलराउंडर। और आपके पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ही रहते हैं दिल्ली में। एक मेरी मॉम है और एक मेरे डैड है। छोटा सा परिवार है बस। या तो आप इकलौते बेटे हैं? मैं इकलौता हूँ। लकी। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में फिलहाल तो मैं हूँ, वैसे मेरे मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर भाभी मेरे भतीजे नेव्यू सभी हैं। नहीं नहीं, बट आपके साथ कौन रहते हैं? मेरे साथ आई स्टे अलोन। मैं अकेली हूँ, अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढ रही हूँ। इस लव के अंदर मैं मानता हूँ कि वो सारी खूबियाँ हैं जो उनका पति बन सकता हूँ, उनका पूरा जीवन साथ निभा सकता हूँ। सो मुझे यकीन था कि वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगी और मुझे ही पसंद करेंगी। तकलीफ हो रही है? और कैसा लगना चाहिए आपको? क्या लगता है कोई और को नजराना मिलेगा तो क्या आपको लगता है मैं खुश होऊंगा? हर बंदे में एक अलग पर्सनालिटी होती है, हर बात करने का तरीका होता है। उन्होंने अपने तरीके से बात करी, उन्होंने समझाया, उनसे बात करी एंड मुझे लगता है कि फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट्स द लास्ट इंप्रेशन। तो उन्होंने जो इंप्रेशन दिया बड़ा सपोज वो अच्छा ही होगा, तभी वो इस उनको ये गिफ्ट मिला है राखी की तरफ से। जॉब के साथ साथ यू गॉट अ गुड हाइट आल्सो ऑफ कोर्स। आई हैव गुड हाइट गुड बॉडी। माफी चाहूंगा, इंटरप्ट करूंगा यार, थोड़ा सा रात बहुत हो चुकी है, हमें भी देखना थोड़ा सा आपसे वार्तालाप कर सके। देखिए अगर मैं बात कर रहा था राखी जी से, अपना टाइम उनसे दे रहा था, बीच में आए अगर ऋषि जी तो उनको फील हुआ होगा कि उनको भी टाइम देना चाहिए, तो वो आए और लेके चले गए राखी जी को। मुझे ऐसा तो बुरा नहीं लगा। अरे हम भी तो स्वयंवर में आए हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं। अगर उसी ने दिल जीत लिया तो थोड़ा सा तो वक्त दीजिए हमारे साथ कि हमारे साथ झूले में आप बैठ सके। मैं तो ऑलरेडी जीत चुका हूँ बस। वो तो बात बताएगा, मैं सिर्फ राखी का प्यार पाना चाहता हूँ। वो ब्रोच दे या कुछ भी दे, अगर उससे अभी मैं जैसे पकड़ के अपने झूले तक लेकर गया, उसका एक हाथ का जो एहसास हुआ ना मेरे लिए, वही प्यार का पहला या दूसरा जो भी नजराना आप समझे। राखी जी 7-8 साल से मैं आपसे आपने दिल की बात कहना चाहता था। 7-8 साल से भाई साहब, वो तो 7-8 साल गया हमारे लेके बैठा हुआ दिल में। कह रहा था 7-8 साल क्या कहना चाहता है भाई? मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ, ये तो दो शब्द हो गए। बट उससे पहले जो चीज है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि आप
बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, सिर्फ इसलिए कि आपने किसी भी परिस्थितियों में सच का साथ नहीं छोड़ा। आपने जो फील किया यहाँ पे 15 जो लोग आए हैं उनमें सभी किस्म के लोग हैं, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही डैशिंग, बहुत ही मीठी मीठी बातें करने वाले भी लोग हैं उनमें। मेरे जीवन संगनी जो आए वो कम से कम मेरा प्रतिरूप, मैंने एज माई लाइफ पार्टनर आपको फील किया। मैं समझदार आदमी हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ना तो राखी को छीनना चाहता हूँ, हालांकि मैं स्वयंवर में हूँ, ना तो मेरा उसको छीनने का कोई इरादा है, ना मैं उसको पाना चाहता। जब प्यार हुआ था दैट वाज मोहब्बत है मिर्ची। मैं आए श्योर यू हैव फिशर आल्सो और हाथ पकड़ने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रहा, कोई तमीज से नहीं बोल रहा कि आइए आप उठिए बैठ करिए। मुझे माफ करो, मुझे बहुत हिंदी में बोलने नहीं पा सका, लेकिन जरूर कोशिश करेगा। ओके डेफिनेटली श्योर। अरे यार देखिए क्या करूं, आप तैयार है शादी? हाँ मैं तैयार है, बिल्कुल तैयार हूँ। okay. इसलिए मैं आया हूँ। आप गुजराती भी हैं? हाँ गुजराती भी है। मेरी मम्मा देखी कि तो शील बी वेरी हैप्पी कि ओ गुड, एक मतलब मेरे स्वयंवर में एक गुजराती लड़का आ रहा है, शील बी वेरी हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी, आई फेल्ट अ लॉट ऑफ गुड पॉजिटिव एनर्जी। और जब भी मुझे मालूम पड़ता था दैट शी वाज शी हैड अ मॉम दैट वाज आल्सो गुजराती, गुजराती में बोल रहा था और हिंदी में और अंग्रेजी में, बहुत अच्छा लगा। एक जरूर से एक कनेक्शन फील हुआ है। आप भी प्लीज मुझे सिखा दो हिंदी, आई वुड लव टू लर्न मोर। आप सही बोल रहे हैं। He's a good whistler. Hello. मेरा चांस है पूरा प्यार का नजराना मिलने का, पूरा चांस है मेरा, क्योंकि जो मतलब मैं कर सकता हूँ वो कोई भी नहीं कर सकता। क्या फील हो रहा था? पहले के जमाने में रेल के इंजन भाप के होते थे और एकदम भाग 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 ऐसे मेरा दिल भाग 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 कर रहा था। I don't think so, कि सिर्फ नर्म दिल इंसान और मजबूत शरीर आपका ख्याल कर सके पूरे मतलब रिश्ते पूरी सच्चाई के साथ, आपका पूरी जिंदगी साथ। वैसे मेरा भी दिल बहुत धड़क रहा था सबको मिलने के लिए, पहली बार लाइफ में मैं नर्वस हुई हूँ, पहली बार लाइफ में मैं पता नहीं क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा था, I don't know what to do। मेरे को तो मौका मिला तो दिल सबर नहीं हो रहा, अब हम घुट जाएंगे। एक इंसान एक आदमी में आपको क्या चाहिए? एक नरम दिल इंसान और एक मजबूत शरीर। I don't think so, कि सिर्फ मेरे ख्याल में ये भी है कि एक आदमी को पूरा सा पॉजिटिव एटीट्यूड से बिल्कुल जो भी आ सके दुनिया में, यू कैन हैंडल इट, नो प्रॉब्लम्स, डिपेंडेंट ऑन नोबडी बट शी कैन बी डिपेंडेंट ऑन हिम, ऐसा एक आदमी चाहिए। And I could tell you that I am absolutely him. Absolutely right, of course, yes. मेरे टाइम में ऐसा हुआ कि इलेश जो है वो पहले से ही बैठे हुए थे और जब मेरी बारी आई तो वो वहीं पर थे और जिसकी वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ, इतना मौका नहीं मिला दिल की बात समझाने का। सॉरी मैं आप लोग को इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे लगा आप काफी देर से बात कर रही हैं तो प्यास लगी। हाय रमन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ राखी, प्लीज। ओ थैंक यू सो मच रमन, मैं सोच ही रही थी मेरा कब से, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत प्यास लग रही है, कुछ पी लूं मुझे, बट मेरे दिल में कहा लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला, तो आपने तो भी ऑफर नहीं किया मुझे कि मैंने आपके दिल की बात इतने अच्छे से जान ली। हाउ स्वीट, थैंक्स अ लॉट। क्या है ये बका? अच्छा ये बहुत अच्छा नाचते हैं, अब मैं चाहता हूँ, दिल से मेरी ख्वाहिश है कि हम लोगों की शादी में इन्हें नाचने के लिए जरूर बुलाएं।
दिल से प्यार है।